अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर जिले के ग्राम डंगनिया चंपारण पहुंचे, जहां जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और बड़ी संख्या में नागरिकों ने मुख्यमंत्री का पुष्प गुच्छ से स्वागत किया। अभनपुर विधानसभा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चंपारण स्थित जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य जी और श्री चंपेश्वर महादेव जी का दर्शन कर प्रदेशवासियों के लिए सुख शांति तथा समृद्धि का आशीर्वाद मांगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चंपारण पहुंचकर महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य और चंपेश्वर महादेव की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की प्रार्थना की। इस अवसर पर उन्होंने वन गमन परिपथ योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा क्रियान्वित श्रीराम वाटिका एवं अधोसंरचना विकास कार्यों का भूमि पूजन भी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि राम वन गमन पथ को उत्कृष्ट बनाया जा रहा है, चंपारण को भी राम वन गमन पथ में जोड़ा गया है। Thank you.
बालक माननीय मुख्यमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करेंगे कि दो शब्द नाम और नमन पर्यटन परिपथ निर्माण के तहत आज चंपेश्वर महादेव के प्रांगण में बहुत बढ़िया आज ये कार्यक्रम जैसे अभी हम लोगों ने चंदपुरी का जीर्णोद्धार किया माता कौशल्या मंदिर का, उसके बाद सूर्य नारायण भगवान के मंदिर तो है ही, उसे सुंदर बनाया गया है। रात्रि में जाएंगे तो बहुत खूबसूरत वहाँ सजाया गया है, लाइटिंग में बहुत सुंदर दिखता है। महानदी तट का भी निर्माण किया गया है, उसी किनारे में भगवान राम के आदमकद प्रतिमा की स्थापना महाराज जी के सानिध्य में हम लोगों ने किया। पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना करके गंगा आरती भी हम लोगों ने की। और उसके बाद राजिम में जहाँ भगवान राम आए थे, चंपारण आए थे, तो वहाँ भी आप लोगों ने देखा कि राजिम में राजी लोचन मंदिर के सामने ही सड़क के इस पार नदी और मंदिर के बीच में भगवान राम के विशाल काय मूर्ति की स्थापना, और उसी प्रकार से यहाँ भी निर्माण किया जाएगा। और इस निर्माण के पीछे में धनेन्द्र भाई की बड़ी इच्छा थी कि यहाँ भी चंपारण को भी जोड़ा जाए, और इसे जोड़ा गया और आज इसका भूमि पूजन हुआ। आप सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं, क्योंकि भेंट मुलाकात कार्यक्रम है और इसलिए स्वागत और भाषण और ये सब कार्यक्रमों को स्थगित रखा गया है। सभी लोग आप लोगों से निवेदन कि भेंट मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग सब चलें, वहाँ आप सबसे चर्चा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं।